हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आखिरी में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जरा सोचिए कैसा होगा अगर आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सके। तो चलिए आज हम ल्यूसिड ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे। हमारे ज्यादातर सपनों के थॉट्स एंड एक्शंस इनवॉलंटरी होते हैं, जिसे हम नींद में एक मूवी की तरह देखते हैं और सुबह उठने पर भूल जाते हैं। पर आज हम बात करेंगे ल्यूसिड ड्रीमिंग की, जो मूवी देखने जैसा नहीं बल्कि वीडियो गेम खेलने जैसा है। इसका मतलब यह है कि आपको सपने देखते समय पता होगा कि आप सपनों की दुनिया में हैं। दोस्तों, नॉर्मली जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा माइंड भी सो रहा होता है, पर ल्यूसिड ड्रीम में ऐसा नहीं होता। ल्यूसिड ड्रीम में आपकी बॉडी तो सो रही होगी पर आपका माइंड एक्टिव होगा। ऐसा नॉर्मली तभी होता है जब आप बहुत थके हो और आप सो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब 5-6 आवर्स लगातार कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपका माइंड एक्टिव रहेगा, तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया है जब मैं 5-6 घंटे लगातार पढ़ने के बाद सो जाया करता था। दोस्तों, जनरली इसमें आप अपनी आँखें खोल कर आसपास होने वाली चीज़ों को देख सकते हैं, और क्योंकि आपका माइंड एक्टिव है आप चीज़ें इमेजिन भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी थकी होती है इसलिए आपका कोई भी बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं कर पाएगा। 2012 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने fMRI स्कैन टेक्नोलॉजी की मदद ली। fMRI से ब्रेन के अलग अलग हिस्से के ब्लड फ्लो की रेट को मेजर किया जा सकता है, एंड इसकी मदद से ब्रेन की अलग अलग इमेजेस देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान उस समय क्या सोच रहा है। ल्यूसिड ड्रीम्स का कुछ लोगों को तो नेचुरली ये सेंसेशन होता है, पर कुछ लोगों को ये सेंसेशन नहीं भी होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये थोड़ा ट्रिकी है और इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे कर सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग बताते हैं कि ल्यूसिड ड्रीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, बट ये आपके कॉन्शियस बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें कई बार इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनका इस तरीके से सपने और रियलिटी में डिफरेंस ना कर पाना किसी मानसिक बीमारी का कारण ना बन जाए। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीम इसलिए इतनी अट्रैक्टिव चीज है क्योंकि इसकी मदद से आप अपने सपनों को आकार दे सकते हो, जैसे कि आसमान में उड़ना, स्पेस में घूमना, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलना, अपनी फेवरेट कार चलाना, कई सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो। पर दोस्तों, ये सुनने में कितना भी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, सच ये है कि ये आपको रियल तो लगेगा बट रियलिटी नहीं बन पाएगा। आपको चीज़ों के पास होने का एहसास तो दिला पाएगा पर कभी भी आपको उन चीज़ों के पास नहीं ला पाएगा। दोस्तों, खुली आंखों से सपने देखना गलत नहीं है, पर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हाथ पैर तो आपको रियलिटी में ही मारने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज हमने बात की ल्यूसिड ड्रीम्स की, हम और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।